69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। सरकार को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश भी दिया है। इस आदेश से यूपी सरकार को तो झटका लगा ही है, साथ ही नई चयन सूची तैयार होने से पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों के सामने भी असमंजस की स्थिति है। हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का बयान सामने आया है, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती पे जिस तरह से आज माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच का फैसला आया है और उत्तर प्रदेश की सरकार को यह आदेश दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में फिर से नई सूची जारी की जाए, समाजवादी पार्टी माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करती। ये समाजवादी पार्टी की, विपक्ष की, उन नौजवानों की, अभ्यर्थियों की जीत है जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, लगातार इस मांग को उठा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का लाभ नहीं मिला, जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने पहले भी टिप्पणी की थी कि कॉपी तक बदल दी गई, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आईना दिखाता है। वो सरकार जो पारदर्शिता की बात करती है, समाजवादी पार्टी माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत।